أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم

इसलिए कि सूरत अल्लाहब का एक बड़ा हिस्सा आगे बाईसवें पारे में था इसलिए हम अल शोराजाब से आज शुरू कर रहे हैं जो हैं कि इक्कीसवें सपारे का सत्रवा रुकू बनेगा अल्लाह तबारक वाल इशात फरमाते हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरते रहिए कुफार व मुनाफिकीन की बातों में ना आए वही रब्बानी की पैरवी करते रहिए और अल्लाह पर भरोसा कीजिए अल्लाह ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए तुम्हारे ले पालक बेटा कहने से हकीकी बेटा नहीं बन जाता है और तुम्हारी बीवियां माँ कहने से माँ नहीं बन जाती ये सिर्फ जुबानी बातें हैं हक बात अल्लाह ही कहता है कि मुंह बोले बेटों को उनके बापों की नस्बत से पुकारा करो अगर तुम वालिदैन के नाम ना जानते हो तो वो तुम्हारे दीनी बाई हैं पहली भूल चूक माफ आइंदा जान बूझ कर ऐसा नहीं करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अहले ईमान के लिए उनकी अपनी जान पर मुकदम है हुजूर की बीवियां मुसलमानों की माए हैं तरका में मुहाज़रीन की नस्बत वारिसों का हक ज्यादा है अपने दोस्तों के साथ वैसे कोई भलाई करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है रकू नंबर 18 के अंदर फरमाया ईमान वालो अल्लाह का वो इनाम याद करो जब तुम पर लश्कर चढ़ आए तो हमने उन पर आंधी भेजी और ना दिखाई देने वाली फौजें नाजिल की यानी फरिश्ते जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर से और नीचे से चढ़ आया लोगों की आंखें खौफ के मारे पथरा गईं कलेजे मुंह को आ गए अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान होने लगे इस तरह मुसलमानों की खूब खूब आजमाइश हुई उस वक्त मुनाफिक कहते थे कि खुदा और रसूल ने हमको फतह का यकीन दिलाकर हमसे फरे भी किया है उनका एक गरोह कहता था मदीना वालो चलो वापिस चलो खंदक पर काफिरों से मुकाबले की कोई सूरत नहीं ये तरह तरह के बहानों से इजाजत लेकर भाग रहे थे हालांकि उन्होंने पहले कस्में खाई थी कि पीठ फेर कर नहीं भागेंगे इन्हें आगाह कर दें कि भाग कर तुम तो मौत से बच नहीं सकते अगर किसी को रब नफा या नुकसान पहुंचाना चाहे तो कौन आड़े आ सकता है बराए नाम शरीक जंग होने वालों और रुकावटें खड़ी करने वालों से अल्लाह खूब वाकिफ है ये तुम्हारा साथ देने में बड़े वकील हैं जंग का नाम सुनकर उन पर गशी के दौरे पड़ने लगते हैं मगर जंग खत्म होती है तो ये माले गनीमत हासिल करने के लिए कैंची की तरह जुबानें चलाने लगते हैं रकू नंबर उन्नीस के अंदर फरमाया तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूना मौजूद है मोमिनों ने जब फौजें देखी तो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल के वादे सच्चे हैं उनके ईमान और सब्र तस्लीम में और इजाफा हुआ ईमान वालों में ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ किए हुए वादे सच कर दिखाए कोई अपनी नजर पूरी कर चुका है और कोई मुंतजर है अल्लाह ने काफिरों का मुंह फेर दिया वो कोई फायदा हासिल किए बगैर अपने दिल की जलन लिए पलट गए मोमिन की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया पहले किताब में से जिन लोगों ने इन हमला हमला आवरों का साथ दिया था अल्लाह उनके किलों से उन्हें उतार लाया और उनके दिलों में ऐसा रोब डाला कि एक ग्रोह को तुमने कतल कर डाला और दूसरे को कैद अल्लाह ताला ने तुम्हें उनकी जमीनों घरों और अमवाल का मालिक बना दिया और वो इलाका भी दे दिया जिसे तुमने पमाल नहीं किया था अल्लाह हर शय पर कदर है इसके बाद बाईसवें सिपारे का यहाँ से आगाज हो जाता है पहले रकू के अंदर अल्लाह तबारक वाल ने फरमाया कि नबी करीम अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर रुख्सत कर, कर दूँ अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखरत के घर को चाहती हो तो तुमसे जो नेकोकार हैं अल्लाह ने उनके लिए बहुत बड़ा अजर तैदार कर रखा है याद रखो जो तुम में से बेहयाई का इरतक करेगी दुगनी सजा पाएगी और जो अल्लाह रसूल का कहा मानेगी दोहरा अजर पाएगी ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो ऐसी बेअदबी किसी जुबान से बात न किया करो कि दिल की खराबी में मुबतला शख्स गलत फहमी में ना पड़ जाए अपने घरों में टिकी रहो दौरे जहलियत की सच धज न दिखाती फिरो नमाज कायम करो जक़ात अदा करो और अल्लाह रसूल का कहा मानो ए नबी के घर वालों अल्लाह तुमसे गंदगी का मैल कुचैल दूर करना और खूब पाक कर देना चाहता है रकू नंबर दो के अंदर फरमाया, याद रखो मुसलमान मर्द औरतें और और मोमिन मर्द औरतें और और अता गुजार मर्द औरतें और और सच्चे मर्द और औरतें साबिर मर्द और औरतें आजजी करने वाले मर्द और औरतें सदका देने वाले मर्द और औरतें रोजा रखने वाले मर्द और औरतें शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें अल्लाह को बकसरत याद करने वाले मर्द और औरतें हैं जिनके लिए अल्लाह ने बख्श और अजर अजीम तैयार कर रखा है किसी मोमिन मर्द या औरत को अल्लाह रसूल के फैसले के बाद किसी तरह का कोई इख्तियार नहीं रहता जब आप सल्लल्लाहु सल्लाह वम हजरत जैद से कह रहे थे कि अपनी बीवी को रोके रख और अल्लाह से डर आप अपने दिल की बात छुपा रहे थे जिनको अल्लाह जाहिर करना चाहता था आप लोगों के तानों से खौफ थे हालांकि डरने का हकदार सिर्फ अल्लाह ही है जब हजरत जैद ने तलाक दे दी तो हमने जैनब का निकाह आपसे कर दिया ताकि ले पालकों की बीवियों के बारे में लोगों पर कोई तंगी ना रहे नबी के लिए किसी ऐसे काम में रुकावट नहीं जो अल्लाह ने तय कर दिया है अल्लाह का नबियों के लिए यही तरीका है कि उनको अल्लाह के हुक्म पर बाहर हल अमल करना तय होता है लोगो मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं रकू नंबर तीन के अंदर फरमाया ईमान वालों को कसरत से याद किया करो सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो वो तुम पर रहमत फरमाता है उसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं ताकि वो तुम्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनी मिलाए वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है आखरत में तुम्हारा इस्तकबाल सलामती के साथ फरमाएगा नबी हमने आपको गवाह बशारत देने वाला डराने वाला अल्लाह की तरफ दावत देने वाला और रोशन चराग बनाकर भेजा है मोमिनों को खुशखबरी दो कि उन पर अल्लाह का बड़ा फजल है काफिरों मुनाफिकों का कहा ना मानो और अल्लाह पर भरोसा करो ईमान वालों हाथ लगाने से पहले औरतों को तलाक दे दो तो फिर उन पर कोई आदत नहीं बस उनको कुछ दे दिलाकर रुख्सत कर दो ए नबी वो बीवियां जिनके महर हक महर आप अदा कर चुके आपके लिए हलाल है और आपकी लौंडियां भी और चच्चा जात फूफी जात खाला जात मामू जात भी जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है वो सब हलाल है और वो भी जो अपने ताई अपने आप को आपके हवाले कर दें ये हुक्म खास आपके लिए है आम मोमिनों के लिए नहीं है आप अपनी बीवियों में से जिसे चाहें साथ रखें और जिसे चाहें अलग कर दें फिर अपने पास बुला लें इस तरह आपकी आंखें ठंडक होंगी और वो अल्लाह के दिए पर राजी होंगी उसके बाद आपके लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं ना उसकी इजाजत है कि उनकी जगह और बीवियां ले आए खा आपको पसंद हूं सिवाय कनीजों के रुकू नंबर चार के अंदर फरमाया ईमान वालों नबी सल सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम के घरों में बिला इजाजत ना दाखिल हूं ना खाने का वक्त ताकते रहो जब बुलाया जाए उस वक्त आओ जब खाना खा चुको तो चले जाओ बातों में ना लग जाया करो इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती है और वो तुमसे शर्म में कुछ कहते नहीं मगर अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता और जब उमतीन से कुछ मांगो तो पर्दे के पीछे मांगा करो हुजूर को किसी तरह तकलीफ ना पहुंचाओ हुजूर की बीवियों के साथ कभी निकाह जायज नहीं अगर अजवाज मतहरात के बाप बेटे भाई भतीजे भांजे और उनके मेल झोल की औरतें और लौंडिया गुलाम उनके घरों में दाखिल हों तो कोई मुजायक नहीं अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं आ ईमान वालों तुम भी हुजूर पर दरूदो सलाम भेजा करो अल्लाह और उसके रसूल को सताने वालों पर दुनिया और आखिरत में फटकार है मोमिन मर्दों और और औरतों को बिला वजह सताने वाले बहुत बड़ा गुना अपने ऊपर लेते हैं रकू नंबर पांच के अंदर फरमाया नबी अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी बड़ी चादरों के पल्लू लटका लिया करें यानी पर्दे का यह हुक्म है अगर ये मुनाफिक बुरी बातों से बाज ना आए तो हम आपसे उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करवाएंगे कि ये इस शहर में आपके साथ ना रह सकेंगे और जहां जाएंगे मारे जाएंगे लोग पूछते हैं कि क्यामत कब आएगी आप कह दें क्यामत का इल्म के पास है क्या पता वो जल्द ही आ जाए काफिर खुदा के नजदीक मलरून है वो अपना कोई मददगार ना पाएंगे क्यामत को कहेंगे आकाश हमने खुदा और रसूल का कहाँ माना होता और कहेंगे अ रब हमारे हमने अपने सरदारों और बड़ों की बात मानी उनको दुगना नंबर छह के अंदर फरमाया ईमान वालों उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने को सताया अल्लाह ने उनके से मूसा को बेअब साबित कर दिया मूसलम अल्लाह के नजदीक बाइज्जत थे ईमान वालों अल्लाह से डरो खरी और सीधी बात किया करो अल्लाह तुम्हारा अमल सवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा जो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा वो कामयाब होगा हमने अपनी अमानत को आसमानों जमीन और पहाड़ों पर पेश किया सब ने उसके उठाने से इनकार कर दिया ये कुरान की बात हो रही है मगर इंसान ने उसे उठा लिया ये ज़ालिम और नादान है इस बारे अमानत को उठाने का लाजमी नतीजा यह है कि अल्लाह मुनाफिक मुशरक मर्दों औरतों को सजा दे और मोमिन मर्दों औरतों की तोबा कबूल कर ले और अल्लाह गफूर है इसके बाद सूरह सबा का आगाज हो जाता है ये मक्की सूरा है जिसके छः रकू हैं और चौवन आयात हैं रकू नंबर सात फरमाया तमाम तारीफों का मुस्तक वही अल्लाह है जो जमीन व आसमान की हर शे का मालिक है वो जमीन में दाखिल होने वाली जमीन से निकलने वाली आसमान से उतरने वाली उस पर चढ़ने वाली हर शह को जानता है काफिरों का यह कहना बिल्कुल गलत है कि क्यामत नहीं आएगी आप कह दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रब की कसम क्यामत जरूर आएगी ताकि ईमान वालों को उनके किए का बदला मिल सके और हमारी आयात को नीचा दिखाने वाले सजा पाएं ए पैगम्बर इलम वाले खूब जानते हैं कि कुरान पर हक है राह हक का रहनुमा है मगर काफिर एक दूसरे से कहते हैं कि आओ हम तुम्हें एक शख्स बताएं जो कहता है कि जब हमारे जिसम का जर्रा जर्रा बिखर जाएगा तो हम असर नौ जिंदा हो जाएंगे ये झूठा मालूम होता है या मजनून है ए पैगम्बर ये लोग बुरी तरह बह गए हैं इन जालमों को डरना चाहिए हम चाहें तो इनको जमीन में धनसा दें या उन पर आसमान का टुकड़ा गिरा दें रकू नंबर आठ के अंदर फरमाया कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम पर बेशुमार बेशुमारनायात फरमाई पहाड़ और परिंदे उनके साथ मिलकर तस्बीह करते थे उनके लिए लोहा मोम कर दिया गया था ताकि लोहे से जिने बनाएं और नेक अमल करें हमने हवा को अलैहिस्सलाम के तांबे कर दिया था और तांबे का चश्मा भी उनके लिए जारी कर दिया गया था जिन्नात उनके ताबे थे वो उनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें मुजस्मे बड़े बड़े लगन और देगे बनाते थे हमने कहा कि ए आले दाऊत शुक्रगुजार रहना मगर कम ही बंदे शुक्र अदा करते हैं जब सुलेमान सलाम की मौत का वक्त आया तो उनकी लाठी को दीमक ने खा लिया और वो गिर गए उस वक्त जिन्नात पर बात खुली कि अगर वो गैब जानते तो जिल्लत के अजाब में मुबतला न रहते पहले सभा को दो रो या बाघ अता किए गए थे मगर कि अल्लाह का दिया खाएं और शुक्र बजा लाएं, मगर उन्होंने ना शुक्री की तो अल्लाह की तरफ से उन पर बंद तोड़ सैलाब आया उनके खूबसूरत बागों की जगह कड़वे कसीले फल झाओ के दरख्त और बेरियां उगाएं यह उनकी ना शुक्री की सजा थी इन ना को हमने आबाद और पुरान अलाके अदा किए थे मगर उन्होंने इस नियमत की कदर न की तो हमने उनको तितर बितर कर दिया शैतान का सबसे कामयाब हरबा यह है कि वह इंसान को आखरत से गाफिल कर देता है यानी इंसान अगर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसे और नियमते अदा करता है इंसान अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात और खर्च करता है तो अल्लाह उसे और अता करता है मगर जब वो नियमतों की ना शुक्री करता है अल्लाह के रास्े में नहीं देता अकड़ जाता है और वो नियमतों पर हमेशा फख्र महसूस करता है अपने आप को बड़ा समझने लगता है तो अल्लाह उसे तितर बितर उसे वो नियमतें छीन ली जाती हैं ऐसा आहिस्ता रकू नंबर नौ के अंदर फरमाया है पैगंबर मुशरिकों से कहते हैं कि तुम्हारे बातिल मबूद आसमानों और जमीनों में जर्र भर किसी चीज के मालिक नहीं खुदा के यहां उसकी इजाजत के बगैर किसी को सिफारिश करने की मजाल नहीं है आसमान और ज़मीन से तुम्हें कौन रिजक देता है अगर तुम्हारा जवाब यह है कि अल्लाह रिस्क देता है तो अल्लाह की बात ना मानकर तुम हिदायत पर हो या हम तुम अपने किए पर जवाब दे होंगे और हम अपने किए पर क्यामत को इकट्ठे होंगे और वही फैसला होगा जरा वो हस्तियां तो दिखा दो जिनको खुदा के साथ शरीक लगा रखा है याद रखो मैं तो तुम मैं तो तमाम इंसानों के लिए बशीर और नजीर बनकर आया हूं जब तुम्हारा वक्त मौजूद आ गया तो याद रखो एक घड़ी भी आगे पीछे नहीं होगी तुम अपने रब के हुजूर पहुंच जाओगे। दस के अंदर फरमाया कि काफिर कहते हैं कि हमने कुरान और ना किसी पहली किताब को मानेंगे जब तक हमारे सामने पेश होंगे तो उनकी हालत दीदनी होगी उस वक्त एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे कमजोर बड़े बनने वालों से कहेंगे कि तुम ना हुए तो हम मोमिन होते अगर तुम ना होते बड़े कहेंगे कि हमारा क्या कसूर तुम्हारी जहनीयत खुद मुजरिमाना थी सबकी गर्दनों में तोक डाल दिए जाएंगे हार पैगंबर के साथ खुशहाल लोग बदसलूकी करते रहे हैं उनका जोम होता था कि हम बड़े मालदार और औलाद वाले हैं हालांकि रिस्क की तंगी और फराखी अल्लाह के कब्जे में है लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से बेखबर है रकू नंबर ग्यारह के अंदर फरमाया याद रखो माल या औलाद की कसरत से अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता अल्लाह का कुर्ब तो ईमान और अच्छे आमाल से मिलता है अल्लाह की आयात को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करने वाले जरूर मुबतलाए आजाब होंगे रिस्क की तंगी और फराखी अल्लाह के कब्जे में है और जो कुछ तुम खर्च करते हो उसकी जगह वही तुमको और दे देता है यानी जो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे आप ये कभी तस्वर ना करें कि वो माल कम हो गया है बल्कि अगर आपने तीन हजार खर्च किया है तो अल्लाह फरमाता है हम उसकी जगह तुम्हें डबल दे देंगे छह हजार आपको आ जाएगा लेकिन तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करके तो देखो ये मुशरक क्यामत के दिन अल्लाह फरिश्तों से पूछेंगे क्या ये मुशरक तुम्हारी इबादत करते थे फरिश्ते कहेंगे ये तो जिन्हों की परस्तश करते थे उस रोज कोई किसी के काम ना आएगा और जालिम अजाब जहनुम का मजा चकेंगे मुशरकिन मक्का कभी कुरान सुनकर कहते हैं कि यह शख्स हमें बाप दादा के तरीके से हटाना चाहता है कभी कहते हैं कि कुरान घड़ा हुआ झूठ है कभी कुरान को जादू बताते हैं हालांकि कुरान से पहले इनके पास कोई किताब नहीं आई और आपसे पहले उनके पास कोई पैगंबर नहीं आया रकू नंबर बारह के अंदर इर्शात फरमाया आप इन मुशरिकों से कह दें कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ खुदा के लिए अकेले अकेले और दो दो मिलकर दिमाग लड़ाओ और सोचो भला मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे पागलपन ज़ाहिर होता हो मैं तो आजाब के आने से पहले तुम्हें खबरदार करने आया हूं फिर मैं तुमसे इसका कोई अजर भी नहीं मांगता ऐलान कर दीजिए हक आ चुका है अब बातिल नहीं चल सकता अगर मैं गुमराह हूं तो मेरी गुमराही का वबाल मुझ पर है और अगर मैं हिदायत पर हूं तो उसी वही की वजह से हूं जो मुझ पर आई है ये जालिम आखिरत में जब पकड़े जाएंगे तो फौरन ईमान लाने की बात करेंगे जबकि ईमान लाने की जगह दुनिया है आखिरत नहीं है अमल की दुनिया भी अमल का ताल्लुक भी दुनिया के साथ है आखिरत में नहीं उस वक्त इनको उनके पेश रौ की तरह उनकी तमन्ना से महरूम कर दिया जाएगा इसके बाद सूरा फातिर का आगाज हो जाता है ये पैंतीस नंबर सूरह है मक्की है जिसके पांच रुकू हैं और पैंतालीस आयात हैं रुकू नंबर तेरह के अंदर फरमाया कि तारीफ ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है दो दो तीन तीन और चार चार बाजुओं वाले फरिश्तों को पैगाम रिसा मुक्र करने वाला है वो अपनी मखलूक में जिसे चाहता है इजाफा करता है जैसा भी चाहता है कर देता है अल्लाह ताला किसी के लिए रहमत का दरवाजा खोल दे तो उसे कोई बंद करने वाला नहीं है और अगर वो बंद कर दे रहमत का दरवाजा तो कोई खोलने वाला नहीं है ऐ लोगो अल्लाह की नेमतों को याद करो उसके सिवा कौन खालिक है कौन तुम्हें जमीन व आसमान से रिस्क देता है ए नबी अगर ये आपकी दावत को नहीं मानते तो ये कोई नई बात नहीं पहले रसूलों के साथ भी यही सलूक किया गया है ए लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है दुनिया की जिंदगी और शैतान के धोखे में न पड़ जाए वो तो तुम्हें दोजक तक पहुंचा देना चाहते हैं जबकि काफिनों का अंजाम बुरा है ईमान वाले नेक बख्शिश के हकदार हैं रुकू नंबर चौदह के अंदर फरमाया हक के मुनकरों को हक बुरे काम खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं हिदायत और गुमराही अल्लाह के इख्तियार में है आप खाम खा इनके गम में न घुले देखते नहीं हैं। बादल बरसते हैं तो मुर्दा जमीन में जिंदगी पैदा हो जाती है इस तरह इज्जत अल्लाह ही के पास है जो ईमान और उन नेक आमाल की बदौलत मिलती है रहे हक के खिलाफ साजें करने वाले सौ उनके लिए सख्त आजाम है अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से बनाया फिर नुतफा से वजूद बख्शा तुम्हारी बीवी के पेट में जो हमल ठहरता है और जो बच्चा पैदा होता है सब का सब अल्लाह के में है उम्र का ज्यादा होना या कम होना भी लिखा हुआ है उसकी कुदरत का निशान है कि दो दरिया हैं, एक का पानी मीठा और खुशगवार है दूसरे का खारी और कड़वा है फिर तुम उनसे ताजा गोश्त हासिल करते हो यानी मछलियां तलाश करके और उसका गोश्त खाते हो और हीरे मोती हासिल करते हो कश्तियां पानी को चीरते हुए चलती हैं ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो रात को दिन और दिन को रात में परोता वो ही है सूरज चांद उसने काम पर लगा दिए हैं ये सारी चीजें एक वक्त मुक्र तक उस हुक्म पर काम करती रहेंगी इसके सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो तो वो परका के भी मालिक नहीं है अगर तुम उनको पुकारो तो तुम्हारी पुकार न सुनेंगे और अगर सुन लें तो तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकते रुकू तो नंबर पंद्रह के अंदर इर्शाद फरमाया ए लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और वो हर तरह से बेनयाज है वो चाहे तो तुम्हें फना कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक बसा दे उसके लिए ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है कयामत के दिन हर शख्स को अपना बोझ उठाना होगा अः मोहम्मद करीम सल वसलम आपकी बात वही कबूल करेगा जो रब से डरेगा और जो डरेगा फायदा उसी का होगा देखो अंधा और देखने वाला तारीखी और रोशनी साया और धूप जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं जो न सुनना चाहे आप उन्हें किस तरह सुनाएंगे आप तो नेकी पर बशारत देने वाले और बुराई के अंजाम से डराने वाले हैं आपसे पहले भी रसूलों को जुटलाया गया और जुटलाने वालों का अंजाम बुरा हुआ रकू नंबर सोलह के अंदर इशाद फरमाया अल्लाह की कुदरत देखो आसमान से बारिश बरसी फिर जमीन से रंग बरंग फल निकल आए पहाड़ भी मुख्तलिफ रंगों के हैं इंसानों जानवरों और मवेशियों के रंग भी मुख्तलिफ हैं अल्लाह से वही डरते हैं जो हकीकत का इलम रखते हैं वो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं नमाज कायम करते हैं Allah के दिए हुए में से खर्च करते हैं वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें किसी खसारे का सवाल नहीं वो मजीद फजल के भी मुस्तक होंगे हमने आप पर सच्ची किताब नाजिल की है और अपने नेक बंदों को उसका वारिस बनाया है उन में से बाज अपने तएं जुल्म करने वाले हैं बाज माना रो हैं और बाज नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं यही जन्नत के वारिस होंगे वो अल्लाह के शुक्र होंगे कि उसने उनसे रंजो गम दूर कर दिया और हमेशकी के मकाम में उतारा रहे काफिर तो वो जहन्नुम में होंगे ना उन पर मौत आएगी ना खात्... के खात्मा हो जाए ना अजाब खत्म होगा वो चीख चीख कर दुनिया में वापस जाने और नेक अमल करने की तमन्ना करेंगे लेकिन अब तो जजाव सजा का वक्त है रुकू नंबर सत्रह के अंदर इर्शाद फरमाया अल्लाह ने तुम्हें जमीन में पहलुओं का जानशीन बनाया है यानी पहले लोगों का बाप के मान औलाद जानशीन उसके बाद उसकी औलाद जो कुफर करेगा उसका बवाल उसी पर होगा वो अल्लाह के गजब को भड़काएगा और नुकसान उठाएगा आप इन मुशरकों से पूछें क्या तुम्हारे शरीकों ने भी कुछ बनाया है क्या अल्लाह की हुकूमत में उनका कुछ हिस्सा है क्या उनके पास शिर करने की कोई दलील है जबकि जमीन व आसमान अल्लाह ने थाम रखे हैं और अगर ये अपनी जगह से हिल जाए तो क्या कोई और थामने वाला है आपकी तशरीफ आवरी से पहले यह काफर बड़ी कस्में खाते थे कि हमारे पास कोई डराने वाला आया तो हम जरूर ईमान लाएंगे मगर जब आप तशरीफ ले आए तो यह आपके खिलाफ बुरी बोली चालें चलने लगे याद रखो बुरी चालें चलने वाले अपनी सासों का खुद ही शिकार बनते रहते हैं अल्लाह का तरीका कभी नहीं बदला उनको पहलों का अंजाम देख लेना चाहिए उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे अल्लाह के मुकाबले में जरा भी ना ठहर सके अगर अल्लाह ताला ने इन लोगों की बदआमालियों पर फौरी मुआवजा फरमाता तो जमीन पर एक जानदार भी ना छोड़ता लेकिन वो ढील देता रहे है और वक्त आने पर फैसला करता है इसके बाद सूरह यासीन का आगाज हो जाता है और ये सूरह यासीन कुरान हकीम का इसे दिल कहा जाता है छत्तीस नंबर सूरह है जिसके पांच रकू है ये भी मक्की है और तिरासी आयात है रकू नंबर अठारह के अंदर फरमाया है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हकीम की कसम आप सच्चे रसूल है और सीधे रास्ते पर हैं कुरान आप पर उतरा है ताकि आप इनको डराएं जिनके पास कोई डराने वाला नहीं आया हर धर्म लोगों की गर्दनों में तो है उनके सर नीचे नहीं होते इनको समझाना या ना समझाना बराबर है आपकी बात वही सुनेगा जो नसीहत कबूल करने पर आमादा होगा और रब से डरेगा। हक जिंदा होकर हमारे सामने आएंगे उस वक्त उनका कच्चा छटा सब सामने आ जाएगा और उन्हें उनके अमाल का बदला दिया जाएगा व आखिर